देश भर में बच्चा चोरी की अफवाह की चर्चा इन दिनों खूब चल रही है। इसी के चलते बुधवार की रात्रि को अफवाहों के इस दौर ने कुछ लोगों से ऐसा कृत्य कर दिया कि अलीराजपुर से खरगोन लौट रहे परिवार की जान पर बनाई। घटना के बाद पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। पूरी घटना खरगोन के मियामान मोहल्ले में रहने वाले निजामुद्दीन शेख और उनका परिवार के साथ घटित हुई है। कार से देर रात्रि अलीराजपुर से खरगोन आ रहे थे। इसी दौरान मुगल बेड़े पर बच्चा चोर की शंका में करीब 50 से 60 लोगों ने कार पर लठ और पत्थर से वार किया, जिससे कार का नुकसान तो हुआ है। घटना की सूचना निजामुद्दीन ने थाना पहुंचकर दी, जिसकी सूचना पाकर पुलिस ने मौके से करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया है। मीडिया से बातचीत में थाना प्रभारी ललित सिंह डांगोर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर अफवाह फैलाने और ऐसा कृत्य करने वाले लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी, रिपोर्ट। और सूत मिल के पास में जो बजरंग बली का मंदिर है वहाँ पर यह घटना घटी। 40-50-60 लोग लड़के लोग है ना, रोड पर खड़े हुए थे। किसी के हाथ में सरिया, किसी के हाथ में भाला और जो भी मतलब लठ वगैरह हाथ में लेके खड़े हुए थे। हमने गाड़ी उनसे करीब 30-40 फीट दूरी पर रोक दी। उनसे पूछा भाई क्या मामला, क्यों रास्ता क्यों रोक रहे हो? तो रास्ता रोकने का रीज़न ये बताया, बोले कि बच्चा चोर। बस हमने बोला कि हम बात करने के कुछ करने की कोशिश किए और उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की और डायरेक्ट उन्होंने अटैक कर दिया गाड़ी पर गया। हम जैसे तैसे उनके बीच में से गाड़ी भगा के निकले, गया जान बचा के बाहर हम भागे वहाँ से, और वहाँ से भाग कर सीधे थाने पर आया। हम तोड़ फोड़ के, हाँ, गाड़ी के लास्ट पे जो है लठ मारे उन्होंने, ये हुआ। हाँ, रात को FIR करवा दी। पुलिस गई थी बाद में तुम्हारे? हाँ, यहाँ पर हम जैसे थाने पर आए तो यहाँ से थाना मोबाइल जो है मौका वारदात पे जो है गए, वहाँ से कुछ लोगों को लेकर भी आए हैं ये, क्योंकि ये अफवाह में ऐसा हो गया। हाँ, और क्या है, मतलब चाहे जिसको रोक लेना, कोई ऐसी बात थोड़ी है। मेरे साथ मेरी फैमिली थी, मेरे भैया थे, मेरी भाभी थी, भतीजा था, हम लोग आ रहे थे, मगर उन्होंने कुछ जानने की कोशिश नहीं की, डायरेक्ट अटैक कर दिया उन्होंने। कुछ भी हो सकता था, हम अगर वहाँ ब्रेक लगा लेते तो हो सकता है कि हमारी जान पर मुसीबत आ जाती थी क्या, हम आपके सामने आज खड़े ना होकर हॉस्पिटल में मिलते थे क्या? क्या मतलब उनका क्या कहना है? बस उन्होंने कुछ नहीं, एक ही बात कही, बच्चा चोर करके बस वो डायरेक्ट मारना शुरू कर दिया उन्होंने। वो तो गाड़ी के हमने ग्लास चढ़े हुए थे, कुछ हमने खुलेज नहीं, और वो गाड़ी को वहाँ से भगा के निकल लिया। क्या चाहते हो? बस जिन्होंने हरकत की मतलब उन पर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और आइंदा किसी कोई भी गाड़ी रोक के किसी को भी निहत्ते इंसान को तकलीफ दोगे तुम क्या? परेशान आदमी बिलावजा परेशान करने वाली बात है। पुलिस अधीक्षक ने भी एक अपील जारी करी थी कि अफवाहों पर ध्यान दें, उसके बाद भी ऐसी घटना घट रही तो बहुत ये निंदनीय घटना है, बहुत गलत बात है, किसी के साथ होना नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी कभी आएगा तो तुम उसको डायरेक्ट मारना शुरू कर दोगे, पूछना चाहिए भी क्या है मामला, कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं। गाड़ी में बच्चा पाया जाता है, कोई ऐसा बात होती है तो बात अलग थी, कोई बात ही नहीं है कुछ भी, बस तुमने काम करना शुरू कर दिया। क्या नाम लिखता? निजामुद्दीन शेख। कल रात्रि करीब 12:30-1 बजे की बात है, निजामुद्दीन तिलकपत पर रहते हैं, वो अपने परिवार से अलीराजपुर गए थे, जहाँ से वो वापस आ रहे थे। हनुमान मंदिर के पास रहीमपुरा में कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि कोई किसी का दरवाज़ा खटखटाया है, कोई बच्चा चोरी चला गया है। इस आशय से 25-50 लोग इकट्ठे होकर रोड पर खड़े थे, तो इन्होंने उनको देख के भयभीत होकर कार वार रोकी, और फिर ये जब बढ़ने लगे आगे तो उनको शक हुआ, और कुछ लोगों ने उनके साथ मतलब डंडे वंडे कार में मारे, जिससे उसके कांच फूट गए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पहले ही आदेश प्रसारित किया गया, किसी प्रकार इस तरह की घटना ना हो। बच्चा चोरी जैसी कोई घटना मध्य प्रदेश में नहीं हुई है, ये मात्र अफवाह है, और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर जो भी ये कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को सख्ती से निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने 10-12 लोगों को राउंड अप किया है, इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।